अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। लिब्राज, ये हफ्ता सभी प्लैनेट्स के लिए, सभी स्टार्स के लिए अहमियत का हामिल है, बट आपके लिए खसूसियत का हामिल है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपका रूलिंग प्लैनेट इस हफ्ते आखिरी दिन, सेकेंड लास्ट डे, आपके यहाँ फिफ्थ हाउस में इंटर होगा। दैट इज़ वीनस, एंड वीनस इज लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, और पांचवें घर में वो आइडियली सक्सेसफुल करेगा आपके लव सेक्टर को। बहुत सारे फायदे हैं, सब बयान करता हूँ, लेकिन फीमेल लिब्रास को इसका एडवांटेज ज़्यादा होगा। ये हफ्ता 15 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगा। 20 दिसंबर की रात को वीनस आपके फिफ्थ हाउस में दाखिल होगा। इस साल की उसकी आखिरी रोटेशन है जो आपके पाँचवें घर में जाएगी। पाँचवां घर डील्स का है, पाँचवां घर तालीम का है, पांचवां घर औलाद का है, पांचवें घर में ट्रैवलिंग है, पांचवें घर में ब्यूटी है। फिफ्थ हाउस में अगर कोई फ्रेंडली प्लैनेट्स हो तो इन सब सब्जेक्ट्स में जो मैंने गिनवाए, स्मूथनेस आती है, डेवलपमेंट आती है, रिलायबिलिटी आती है, रिलैक्सेशन आती है। कोई भी लिब्रा इस वक्त, कोई लिब्रा खातून हो या मर्द, अगर शादी के मामलात में उलझे हुए थे, प्रपोजल नहीं थे, नाराज़गियाँ चलती थी, बात बनने के करीब पहुँच कर ज़ाया हो जाती थी, तो नाउ दिस इज़ माई प्रेडिक्शन कि 21 दिसंबर के बाद चीज़ें स्टेबल होंगी। बट एक प्रॉब्लम भी है, अगले हफ्ते सूरज ग्रहण है, दैट इज़ आल्सो अ इशू। सो मुझे लगता है कि कुछ दिन तो अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर ट्रबल आएगी, फिर अच्छा हो जाएगा। ये 20-22 दिन का प्लैनेट है, आपको फ़ायदा देगा। वीनस की ये सपोर्ट आपके पब्लिक इमेज को भी बहुत अच्छा करेगी। जिस फर्म में भी आप काम करते हैं, आपके आर्ट के आइडियाज़ को, आपकी प्लानिंग को सराहा जाएगा। अगर किसी तरह की कोई हक तलफी हो रही थी आपकी, आपका हक था और आपको मिल नहीं रहा था, तो उम्मीद है वीनस के, आपके रूलिंग प्लैनेट के अच्छे दौर में दाखिल होने की वजह से वो मुयस्सर आ पाएगा। अगर वो मुयस्सर ना भी हो, मटेरियल एडवांटेजेस ना भी मिले, तब भी पीस ऑफ माइंड तो ज़रूर मिलेगा, डैम श्योर है। ये मेरा ही 16 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ कि लिब्रास का रूलिंग प्लैनेट जब भी पांचवें घर में आता है, उनको मेंटल पीस देता है। डिप्रेस लिब्रास रिलीज होंगे। वैसे लिब्रा बहुत कम डिप्रेस होते, दे आर सो ह्यूमरस, वेरी लविंग, सेक्रीफाइसिंग, केयरिंग, ड्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल आल्सो। जो डिप्रेस कम ही होते हैं, लेकिन पेशेंटनेस है, मर्ज है, किसी को भी हो सकता है। खैर, अगर कोई लिब्रा किसी वजह से फिर भी डिप्रेस है, तो उसे बहरहाल अपने इनफिरादी जायचे की तरफ जाना चाहिए। लव लाइफ के स्ट्रॉन्ग होने, रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग होने, शादी ब्याह के मामलात हल होने की वजह से लाइफ में एक इस्तेहकाम आएगा, ड्यूटियाँ बढ़ेंगी, अख्तियारात भी बढ़ेंगे, प्लेजर भी बढ़ेगा। लेकिन कैप्टन स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको खुद खसूसी कोशिशें करनी पड़ेंगी। इस एक हफ्ते की चेंज के बाद, इस एक हफ्ते में इस एक स्टार की चेंज के बाद आपकी मसरूफियत में बेतहाशा इजाफा होगा। आपको अपने बनाव सिंगार पर काम करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी बुरी आदतें ख़त्म करने का मौका मिलेगा, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने के हुनर मिलेंगे, पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने के हुनर मिलेंगे, रिलेशनशिप को मजबूत करने की फ्यूलिंग आपको मुयस्सर आ सकेगी, अपनी ज़ात पर काम कर सकेंगे, तालीम पर काम कर सकेंगे, घर की ताज़ीन व आराइश पर काम कर सकेंगे, औलाद की वेलफेयर का इकदाम कर सकेंगे, बीवियां अपने शोहरों के लिए लकी हो पाएंगी, शादी ब्याह के मामलात में चॉइसेस आपके पास होंगी, एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपके पास होंगे। दिस ऑल और हैपन इन दिस वीक इंशाल्लाह। बट अगले हफ्ते सूरज ग्रहण है, अगले हफ्ते सन बदलेगा। बहरहाल वो जिस पोजीशन पर आएगा, बयान अगले हफ्ते करूँगा, अच्छा है कि बुरा, ये सस्पेंस है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई जो मैंने आपको देनी थी। अब थोड़ा सा रेमेडीज़ पर बात कर लें। एज अ लिब्रा, अगर सिचुएशन आपके इसी हालात के तहत चल रही है जैसा मैंने बयान किया, तो देन यू आर अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा, देन यू आर प्रोडक्टिव लिब्रा, देन यू आर लकी लिब्रा। बट अगर सिचुएशन इसके बरक्स है, आप अक्सर डिप्रेस रहते हैं, लव लाइफ गैर मुस्तहकम है, जहन इंतशार का शिकार है, मरीज आप बने हुए हैं, फिर आपको अपने पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहिए। ओवरऑल जो सिचुएशन है, इसके लिए बेहतरीन रेमेडी ये है कि रूबी पहना जाए,
पर्ल्स पहने जाएं, ब्लू टुपाज अगर हो वो पहना जाए, सूरह शम्स पढ़ी जाए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़ी जाए, काली चीज़ें अगर खैरात की जाए हफ्ते के दिन, तो ये बहुत उमदा सिचुएशंस पैदा करेंगी जो नेगेटिविटीज़ को रिपेयर कर देंगी, पॉजिटिविटीज़ को बढ़ा देंगी, एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक एंड यू डिज़र्व. लिब्रा, आपकी सलाहियतें गैर मामूली हैं, जो हालात को समझ कर चलने की सलाहियत रखती हैं. एंड आई लव लिब्रास बिकॉज के सबसे ज़्यादा मीडिया में मेरे दोस्त लिब्रा हैं, आर्ट लवर्स हैं, पसंद करते हैं चीज़ों को, परफॉर्म करते हैं चीज़ों को. सिर्फ खुश मिजाजी उनकी पहचान बनती है. एंड वीनस इज़ योर रूलिंग प्लानट, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके अंदर लव नेचर कितनी ज़्यादा होगी जिसका रूलिंग प्लानट ही वीनस हो. खैर, इन सब इंफॉर्मेशंस को उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे. अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा सूरज ग्रहण और सूरज के हाउस बदलने की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा. आपसे जाते जाते एक ही दरख्वास्त है, हमेशा की तरह मेरी ये मेहनत पूरे हफ्ते की जो रिसर्च मैं आपके सामने रखता हूँ, पूरा हफ्ता मुझे मेहनत करना होती है ताकि मैं आपके लिए मुफीद मालूमात निकाल पाऊँ. अगर ये मेहनत आपके लिए किसी भी तरह से फ़ायदा मंद है, या आपको पसंद है, या आपके लिए नॉलेज का इजाफा है, या आपकी किसी तरह इंटरटेनमेंट की ही वजह है, तो उस सारी मेहनत को आप मुझे, उस मेहनत के बदले आप मुझे सिर्फ अपनी दुआओं में याद रखिए. आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया. आपकी मोहब्बत भी बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है, आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स सब मैं देख रहा होता हूँ. एंड कोशिश करता हूँ कि छोटे सवालों के जवाब भी वहाँ पर दे दूँ. अगर किसी और टॉपिक पे भी आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट कर दिया करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी कवर करूँ. अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, वीडियो को गैर ज़रूरी तौर पर लंबा नहीं करते. अल्लाह ने के बाद